कोई आशुतोष पता नहीं पहले तो मुझे मैं समझ नहीं पाया ये है कौन इंसान। वैसे ही फ्लाइट लेट थी, कहीं से आ रही थी फ्लाइट, तो लोग बहुत परेशान थे। मैं तो हंस रहा था पहले, पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब मजाक मस्ती हो रही है। फिर इतने में कुछ लोग एक मेल कांस्टेबल लेके आए कहीं से, आधा मरा हुआ है, तो उससे कौन लड़े कौन झगड़े, मतलब ये सही नहीं होता। आज हमारे साथ हैं एमटीवी रोडीज और बिग बॉस 2 के विनर मिस्टर आशुतोष कौशिक। जी आशुतोष जी, आप बताइए कि पहले रियलिटी शोज, फिर आपके फिल्में, और आज एक बार फिर से आप न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छाए हुए हैं आपके झगड़ों की वजह से। तो आपके और अमर उपाध्याय के बीच जो उस रात को जो फाइट हुई थी, वो एक्चुअली हुआ क्या था, बताइए। देखिए, मैं आज जैसा आपने कहा कि पहले रियलिटी फिर फिल्में और आज झगड़ों की वजह से अपने सुर्खियों में हूँ, तो ये तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो मुझे फ्रंट पेज पे लाती है। और रही बात उस रात की, तो उस रात कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि जो बताने लायक है या कुछ है। मैं सिर्फ छोटी सी बात थी कि मेरी 5:40 की फ्लाइट थी, मुझे बहुत जल्दी बॉम्बे पहुंचना था, और मतलब घर पहुंचने की मुझे बहुत जल्दी थी। कुछ घर की पारिवारिक बातें हैं, नहीं बता सकता मैं, लेकिन मुझे बॉम्बे पहुंचना था। और मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मुझे पता चलता है कि फ्लाइट पहले ही आधा घंटा लेट है। अब आधा घंटा लेट होने के बाद जब मैं दोबारा जाता हूँ तो कहते हैं कि भैया फिर लेट है, फिर जाता हूँ तो कहते हैं आपकी फ्लाइट ही चली गई है। और जब इतना सुना तो मैं उनके ऊपर गुस्सा हुआ कि भाई तुम्हें क्या तरीका है क्या, तुम चाह क्या क्या रहे हो। इतना मैं उनसे बहस ही कर रहा था, पीछे से एक आवाज आती है, क्या कर रहा है तू, ये क्या है यहाँ पे, इस तरह क्यों बोल रहा है। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे पता ही था कौन है, तो बाद में पता चला कि ये वो है, ये अमर उपाध्याय है, हमारे भाई साहब हैं, बड़े टीवी के एक्टर हैं, कुछ इंडस्ट्री के पुराने हैं, 15-20 साल से इंडस्ट्री में। तो ये तो मुझे बाद में पता चला, तो ये मुझ पर चिल्ला पड़े और इनका मेरा आपस में तू मैं हुई, और उसके वजह से मेरी फ्लाइट भी कैंसिल हुई, मुझे अलग से एक नया टिकट लेके वापस आना पड़ा। और मतलब मुझे क्या कहते हैं, फ्लाइट कैंसिल, और उसके बाद मैं कहूँगा कि इनके अगर ये मुझसे आके ना झगड़ते तो ना तो मेरी फ्लाइट कैंसिल होती, ना मुझे दूसरी फ्लाइट का टिकट लेके आना पड़ता। जी आशुतोष जी, बताइए कि जैसे आपको पता है कि नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि एक अमर उपाध्याय ने एक न्यूज चैनल को इस बारे में एक इंटरव्यू दिया है कि आशुतोष ने मुझे गालियां निकाली, क्या ये बात कितनी सच है? देखिए जी, मुझे भी मेरे मैनेजर ने बताया कुछ इंटरनेट पे कुछ ऐसा वीडियो वगैरह की है कि मैंने उन्हें गाली निकाली। तुम नहीं स्टार्टेड गिविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ गालीज। और देखो, जब तक मैंने उनको पहली बार देखा तो आके तुम जब आ गए मुझे मार, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी पे गुस्सा हो रहा हूँ, और उल्टा यही मुझ पर गालियाँ निकाल रहे थे, वो भी वो इंग्लिश में कुछ बोले जा रहे थे। तो भाई आपको जरूरत ही नहीं है, मैं अपने काम में लगा हूँ। और उस जगह पे और भी हजारों लोग थे, वो तो कोई आगे मुझसे किसी ने बात नहीं की, आप ही खुद आए और खुद ही मुझसे उलझे और मेरी फ्लाइट ही मिस कराई। और रही बात आशुतोष की, तो आप रोडीज देख लें, बिग बॉस देख लें, जो एक खुद में एक रियलिटी शो है, और वो इतने रियल हैं कि जितने इस कमरे में ऑक्सीजन है। और आप वहाँ देख लीजिए, मैं कभी किसी से लड़ा हूँ या कुछ हो, हाँ अगर गुस्सा है, गुस्सा एक भाव है, वो आता है, और मैंने उस भाव में एयरपोर्ट वालों को सुनाई है। अच्छा, तो आशुतोष जी आप बताइए कि उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही थी कि मैं कौन है आशुतोष, मैं उनको नहीं जानता। भाई ठीक है, कही है, नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं, मुझे तो पूरे देश का प्यार मिला है, मुझे वो पूरा देश जानता है। तो शायद भाई देश में नहीं रहते होंगे, या मतलब टीवी वगैरह नहीं देखते होंगे, या रियलिटी शो नहीं देखते होंगे। वैसे मैंने सुना है कि उन्होंने उस शो में पार्टिसिपेट भी किया जिसका मैं विनर था। आशुतोष जी आप बताइए कि अमर उपाध्याय ने उस वीडियो में बात बताई है कि आप नशे में थे, क्या आप उस दिन रियल में नशे में थे या उन्होंने आप पे ये एक इल्जाम लगाया? देखिए, मैं आज यही क्वेश्चन अपने पूरे देश से करना चाहता हूँ कि ये नशा और बिना नशा दो जो बातें कही कि वो नशे में थे। मैं कहता हूँ, मैं उन्हीं की बात मानता हूँ कि मैं नशे में था, मैं अपनी फ्लाइट के लिए किसी से लड़ रहा हूँ, तो नशे की बात तो है, वो पहले ऊपर लोग बेच रहे हैं, वहां पर एयरपोर्ट के अंदर ही आपको दारू मिल जाएगी, पैक मिल जाएंगे, महंगे महंगे पैक मिलेंगे, आप बड़े महंगी दारू पियेंगे, हाई पेड टैक्स दिया जाएगा। और हिंदुस्तान के अंदर होता क्या है, अगर आदमी नशे में है और बात सही भी करेगा तो उसकी यहाँ कोई इज्जत नहीं है, और उस चीज को मुद्दा बना लिया जाता है कि ये तो आदमी नशे में इसलिए झगड़ा कर रहा है। अरे भाई, अगर मैं नशे में था, तुम मेरे पास ना आते, तुम तो होश में थे, तुम मेरे पास ना आते और मुझसे ना उलझते, मैं अपना काम कर रहा था जो मेरा काम था,
मुझे लग रहा था कि ये नशे में जिस तरह आए हैं, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मुझे इनको लगा कि ये नशे में। और हमने तो इतना ही सीखा कि कैंपर लूज ना किया जाए, अपना हमेशा यूज किया जाए। लेकिन अगर मैं नशे में नहीं भी था, अब मैं पहले दूसरी बात आऊँ कि मैं नशे में अगर नहीं भी था तब भी मैं अपनी बात ऐसे ही करता, किसी बंदे की फ्लाइट लेट हो रही है, बार बार डिले हो रही है, उसको आप बोलोगे कि आपकी तो फ्लाइट ही निकल गई है, तो बंदा इसी तरह आपसे बात करेगा, वो होश में हो या नशे में हो। आप अगर किसी को दारू से जोड़ देते हो तो लगती है गलती, और उसको हटा के तो मैं, मेरा आप ही से क्वेश्चन है कि मैं गलत था या सही था, किसी की फ्लाइट निकल रही है उस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर मैं ये बोलूँ, अगर नशे वाली बात है कि आदमी नशे में, तो आप बेचते क्यों वहां पे, क्यों फ्लाइट में लेके जाते हो, क्यों इंटरनेशनल फ्लाइटों में दारू पी जाती है, वहां हर लोग नशे में बैठा हुआ होता है। तुम नशे की बात करते हो तो नशे वाले आदमी सबसे ज्यादा टैक्स पे ही होते हैं भाई, तो आप फ्लाइट के अंदर तक उनको पिलवाते हो। लेकिन आप आपको तो, लेकिन ये मीडिया को मैं क्वेश्चन करूंगा कि मीडिया, ये हमारी मीडिया जिस चीज में मसाला मिले उसी को दिखाना शुरू करते हैं कि आशुतोष नशे में था, आशुतोष ने ये किया, आशुतोष नशे में था, आशुतोष ने ये किया। आशुतोष कहीं मछलियों को खाना खिलाता है या भूखों को रोटी खिलाता है, कोई नहीं दिखाएगा। और अगर नशे में था या गुस्सा, तो दुनिया दिखाती है। तो वो मीडिया को अच्छा मिला हुआ है, मेरे नशे से कमा रही है, अच्छा भाई मैं तो जेब से खर्च कर रहा हूँ, ये उसे दिखा के कमा रहे हैं, तो भैया कुछ अच्छी बात है किसी को मेरे नशे से कमाने के लिए मिल रहा है। आपको लगता है कि उस दिन जो फाइट हुई थी उसमें मिस्टर अमर उपाध्याय ने भी ड्रिंक कर रखी थी? देखिए मुझे लगता है वो भी नशे में, जिस तरह वो आए, जिस तरह उन्होंने बात की, जो एंग्री ये चीजें दिखाई उन्होंने, और मुझे ये लगा वो नशे में। और भाई क्यों तुम आगे लग रहे हो किसी आदमी से, अपने काम में लगा हुआ यार वो, और उसके बाद उसकी उसके बारे में न्यूज़ें निकलती हैं, आशुतोष ये था जी, आशुतोष वो था। अरे आशुतोष सीधा दादा पे रोटी दाल रोटी खाने वाला ढाबे वाला आदमी है भाई, और गुस्सा आएगा तो गालियां देगा, लेकिन एक हमारे साथ ये जुड़ गया है कि ये बंदा तो नशे में ही होता है और लड़ता है, किससे लड़ाऊं मैं कभी नशे में। और अगर मैं नशे में, अगर होश में नशे में भी था तो मैं, अगर जायज बात है तो आशुतोष हर जगह लड़ेगा, सहारनपुर गाँव पीछे नहीं हटता। गलत बात होगी तो भैया आशुतोष तो लड़ेगा, मेरे राम लड़े, मेरे कृष्ण लड़े, मेरे गुरु नानक लड़े, उनके मुद्दे बड़े थे, मेरा भले ही छोटा मुद्दा है, लेकिन अगर आप दरवाजे में एक छेद करोगे तो रोशनी जाएगी, शायद किसी को सांस मिलेगा। तो अगर कहीं बात होगी, जायज बात होगी, अड़ने वाली बात होगी, आशुतोष अड़ेगा और लड़ेगा। आपको आशुतोष जी मिस्टर अमर उपाध्याय को देखने के बाद एटलीस्ट आपको उनको एक रेस्पेक्टफुल वे में आप उस लड़ाई में पीछे हट सकते थे, आपने उस लड़ाई को इतना बड़ा तूल देने में क्या आपका हाथ रहा? नहीं नहीं, मैं अमर भाई से लड़ा हूँ, अमर भाई हमारे बड़े भाई हैं और सम्मानित हैं, और अगर मैंने उन्हें गुस्से में कुछ बोल भी दिया हो तो बड़े भाई के हैसियत से मुझे माफ करें, मैं तो आपका छोटा हूँ, और जी देखो माफ करने वाला ही बड़ा होता है, बाकी मैं ना लड़ा हूँ ना कुछ। और ठीक है, वो आगे मुझसे उलझे लड़े और उनकी वजह से मेरी फ्लाइट भी कैंसिल हुई, तो मुझे थोड़ा इस बात का दुख है। और हमारे इंडस्ट्री के पुराने हैं, सीनियर हैं, 15-20 साल से इंडस्ट्री में हैं, तो मैं तो अभी एक दो साल से आया हूँ, एक दो रियलिटी शो किया है, वो भी देश की जनता का प्यार मिला जीत गया। बाकी भाई मैं आशु, ऐसा नहीं है कि आशु का काम लड़ना है कुछ, आशु का परिवार है, माँ है, बहन है, सबके साथ रहता हूँ, और तीन साल से एक ही बिल्डिंग में रह रहा हूँ। तो बॉम्बे है, आप जानते होंगे कि आप तीन साल किसी बिल्डिंग में रह रहे हो और आपका ऐसे नहीं रह सकते हो, हल्की सी बात होती है यहाँ से घर से निकाल दिया जाता है, ऑनर अलग बोलता है, सिक्योरिटी वाले अलग, सोसाइटी वाले अलग, सब बोलते हैं कि भैया बाहर निकलो। तो तीन साल में एक बिल्डिंग में निकाल के आता हूँ, तो उससे खुद आप अंदाजा लगा लीजिए, आप फिर बिल्डिंग में भी आगे पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि हाथ कंगन फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। देखिए मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि मैं आशुतोष कौशिक और एक छोटे शहर से आता हूँ, और देश की जनता का इतना प्यार मिला कि आज पूरा देश मुझे जानता है। तो मैं और मेरा मीडिया से भी ये एक रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी खबरें मत छापें जिसमें कि आप आशुतोष को एक नेगेटिव साइड दिखाते हैं कि वो ड्रिंक करके ये करता है वो करता है, क्योंकि लाखों लोगों के प्यार से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, कहीं उनको, उन लोगों में से कुछ लोगों को या कुछ नौजवानों को या बच्चों को जो भी है उनको एक गलत मैसेज देना जाए कि हमारा जब जिसके हम फैन हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, वो ऐसा करता है तो हम भी ऐसे करते हैं कि हम ड्रिंक करके ऐसा करेंगे और हल्ला करेंगे, झगड़ा करेंगे, क्योंकि आशुतोष भी करता है, तो ऐसा एक गलत मैसेज जाता है। और ऐसा मत दिखाएं, सिक्के के दो पहलू होते हैं और सिक्के का हमेशा एक पहलू मत दिखाओ तो सिक्का ही पूरा नहीं होता। ठीक है, कुछ गलतियां पहले मुझसे भी हुई हैं और गलतियों से आदमी सीखता है, रोटी खा के पता चलता है पेट दर्द करेगी या फायदा। बाकी ऐसा मत दिखाएं कि ये आदमी हमेशा लड़ता है या झगड़ता है, बात देखें, जायज देखें, मुद्दा देखें, एक तराजू हाथ में लेके एक फैसला करें कि
हम मीडिया है, हमारी एक समाज के लिए जिम्मेदारी बनती है एक ऐसी पब्लिसिटी के लिए। ना मुझे आदत है कि पब्लिसिटी के लिए इस तरह कुछ करना, तो मैं भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस तरह मत छापे, क्योंकि एक थोड़ा गलत असर जाता है। बाकी सबको मेरी राम राम, जय हिंद।